जदि चलिले किंबा पहाज चढ़िले आपण थका अनुभव करुछंती ताहले आपणको शरीर रे स्टामिना कम अछि। एहारो सबुठारु बड़ कारण हैला गोटिए जगार बसी रहिबा ओ सक्रिय न रहिबा। अधिकांश लोक निज स्टामिना बढ़ाइबाकू जिम जाइथांती किंतु अलसुआ कारणरू किछि दिन परे पुणी से पुराणा लाइफस्टाइल आरंभ हो जाए। आमे आम शरीर को एनर्जेटिक फूड न देबा जाए शरीर मस्तिष्क कथा शुणी न थाए। ब्रेकफास्ट हेल्दी लाइफस्टाइल पाई मुख्य भूमिका ग्रहण करथाए। सखाळु खाली पेटरे कौन खाइले दिन सारा आमको एनर्जी मिलिबो आसंतु जानिबा। कदली को सुपरफूड कैटेगरी रे शामिल करा जाइछि। कदली रे भरपूर मात्रा रे कार्बोहाइड्रेट और पोटासियम रही थाए। एथिरे नेचुरल सुगर और स्टार्च मध्य रही सेथिपई एहा दिन सारा शरीर को एनर्जेटिक रखी थाए। कैल्शियम और प्रोटीन युक्त दही सकाळ जलखिया रे शामिल करिबा उचित। दही सहित आपण फल किंबा बादाम मध्य सेवन करि परिबे। दही हाड़ को मजबूत रखिबा सह मांसपेशी को भी मजबूत करि थाए। दलिया शरीर को तुरंत बूस्ट करि थाए। एहाकू आपण खेचड़ी किंबा उपमा करी भी खाई परिबे। दलिया खाइबाकू मध्य खूब स्वादिष्ट लगी थाए। सकाळ जलखिया रे दलिया खाइले अधिक समय जाए भोक लगी न थाए एवं आपण एनर्जेटिक अनुभव करी थांती। एहा द्वारा स्टामिना मध्य बढ़ी थाए। अंडा विभिन्न पोषक तत्व रे भरपूर अटे। एहा बहु कम समय रे मध्य प्रस्तुत होई पारे। एहा हाड़ एवं मांसपेशी को मजबूत करी थाए। एथिरे थिबा एमिनो एसिड पाई थकापण मध्य अनुभव होई न थाए। बादाम रु प्रस्तुत पीनट बटर हेल्दी फूड कैटेगरी रो अंतर्भुक्त। हेल्दी फैट और प्रोटीन जोगु आपण एहाकू सकाळू मल्टीग्रेन ब्रेड सह खाई परिबे। एहाकू खाइले अधिक समय जे भोक लागि न थाए एवं एहा एनर्जी रे भरपूर अटे। सकाळ ब्रेकफास्ट रे पेस्ता बादाम को निश्चय शामिल करिबा उचित। एहा पोषक तत्व रे भरपूर अटे। एहा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाइबारे मध्य साहाय्य करिथाए। एहा शरीरर स्टामिना पाई मध्य बेस उपकारी। एहाकू राति रे पानी रे बतुराई सकाळे खाली पेटरे खांतु। ओट्स रे भरपूर मात्रा रे फाइबर और कार्बोहाइड्रेट रहिछि जहाँ अलसुआ को दूर करिथाए। एहा अधिक समय काम करिबाकू मध्य एनर्जी जोगाइथाए।